छत्तीसगढ़ का अमरपाटन भगवान राम की तपोस्थली के रूप में पहचाना जाता है। वनों के साथ साथ यहाँ की हर दीवार श्री राम के त्रेता युग की याद दिलाती है। भगवान हनुमान की 20 फीट ऊंची मूर्ति भी है यहाँ। आध्यात्मिक और प्राकृतिक खूबसूरती का भंडार है अमरपाटन, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर यहाँ बस शिकायतें ही मौजूद हैं। तो चलिए जानते हैं क्या कहते हैं अमरपाटन आने वाले राम भक्त। सतना जिले की एक ऐसी जगह राम वन, जहाँ पर भगवान श्री राम ने 14 वर्ष के वनवास में 2 वर्ष यहाँ पर बिताए थे। यहाँ पर पर्यटन के नाम से यहाँ पर ये रामवन मशहूर है। आइए आज जानेंगे यहाँ पर दर्शकों से कि क्या हाल है यहाँ पर और क्या सुविधाएं उनको चाहिए और उनके मन में क्या है। यहाँ पे भगवान हनुमान जी की मूर्ति बड़ी है, लेकिन यहाँ पे सफाई नहीं है। वहाँ जो महिला टॉयलेट है वहाँ पे ताले लगे हुए हैं। वहाँ पे यात्री प्रतीक्षालय बीच में खड़ी है, बस खड़ी है और भीड़ भड़क का कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं है। सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। तो सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं कि नई सरकार आई है क्या करेगी यहाँ? सरकार से उम्मीद है कि करना तो चाहिए, क्योंकि नवनिर्वाचित सभी विधायक बने हैं, नई सरकार बनी है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारा पवित्र स्थान है हिंदुओं का, यहाँ से रामचंद्र जी गए थे, इसलिए उम्मीद है कि अच्छा होगा। रामवन में सब घूमने के दृष्टिकोण से यहाँ पर आते हैं। स्कूल के बच्चे देखिए मेरे साथ पीछे, देखिए आप बच्चे भी यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर दर्शन करने आए। हम यहाँ पर इनके जो टीचर्स हैं उनसे पूछेंगे कि क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या व्यवस्थाएं चाहिए यहाँ पर और क्या चीज़ें यहाँ पर देखी गई। क्या देखा आपने यहाँ पर? यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, भगवान का दर्शन अच्छे से हो सकते हैं और बच्चों के लिए प्लेस अच्छा है, पार्क है और बच्चों को आराम से घुमा सकते हैं। इतनी अभी भीड़ भी नहीं है। पानी की सुविधाएं नहीं है, मुझे नहीं लगे कि यहाँ पे पानी की सुविधाएं हैं। जैसे कि कोई भी आता है मंदिर पर दर्शन करने के लिए तो हाथ पैर धुलने के लिए होने चाहिए, तो यहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं है जो यहाँ पे होनी चाहिए। पार्क अभी ज़्यादा साफ सुथरा तो नहीं लगा, पर जितना भी है ठीक है, उससे और अच्छा होना चाहिए ऐसा लग रहा है। शौचालय तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा जो भी है तो बहुत ही लॉक है। और जी बिल्कुल बता दें, यहाँ सुरक्षा के नाम से बिल्कुल कोई भी यहाँ एक पुलिस चौकी होने के बावजूद भी बंद पड़ा हुआ है, ताले लगे हुए हैं, एक यहाँ मुंशी नहीं खड़ा हुआ है, कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। लेकिन रोड की एक बहुत बड़ी समस्या थी जिसकी वजह से 3 साल हमें बहुत बुरे दिन काटना पड़े, लेकिन अब यदि रोड की समस्या हल हो जाती है तो एक बड़ा काम होगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर इस क्षेत्र में लाइट की व्यवस्था नहीं है, प्रकाश की व्यवस्था नहीं होने के कारण शाम को 6 बजे बाद जो पर्यटक हैं वो वापस भागने लग जाते हैं। और दूसरा यहाँ पर कुछ और भी व्यवस्थाएं जैसे कि मूलभूत सुविधाएं जो होना चाहिए। नई सरकार से उम्मीद ये है कि पुरानी सरकार ने जो भी मेंटेनेंस किया है या जो डेवलपमेंट का काम किया उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पुरानी सरकार को हमको हटाना है या उनके लोगों को हटाना है या बदला लेना है, ये ठीक नहीं है। इंदिरा गांधी के समय भी ऐसा हुआ था। इस सरकार ने, जो आने वाली सरकार ने जो किया था उसका खामियाजा भुगतना पड़ा नई सरकार को, मोरारजी देसाई की सरकार को। वही सरकार ये कर रही है। बदले की भावना से किसी भी सरकार को काम नहीं करना चाहिए। हो ना हो, राम वन में किसी न किसी चीज की यहाँ पर कमी है। कई जो पर्यटक हैं उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है। जहाँ शौचालयों में महिला हो या पुरुष वहाँ पर ताले लटके नजर आ रहे हैं, गंदगी का माहौल है, साथ ही जो अधूरे निर्माण यहाँ पर हैं और साथ ही जो निर्माण हुए वहाँ पर ताले लटके नजर आते हैं। सुरक्षा की अगर देखी जाए तो सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर नाम मात्र बराबर है, जो कि ना के बराबर है। यहाँ पर कोई भी पुलिसकर्मी नजर नहीं आ रहा। दर्शकों को सिर्फ यहाँ पर सुविधा का इंतजार है, नई सरकार से कुछ उम्मीद नजर आती है कि यहाँ कुछ करेगी। सतना के रामवन से नरेंद्र पटेल, बंसल न्यूज़।